नमस्कार दोस्तों, और आज के इस लाइव में आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद हम इस एजुकेशन वाले प्लेटफॉर्म पे लाइव हुए हैं, और आज के लाइव का जो टॉपिक है वो ये है कि जो सरकार ने अभी अभी एक ऑप्शन दिया है CBSE ने, कि अगर एग्ज़ाम को छोटा कर दिया जाए तो, मतलब अगर एग्ज़ाम जो है वो 90 मिनट्स में अगर पूरा कर लिया जाए तो कैसा रहे बच्चों के लिए। और बच्चों के माँ बाप ने इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है कि हम इस ऑप्शन को रिजेक्ट करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत सही भी है, क्योंकि 12th का जो एग्ज़ाम है वो कोई ऐसा एग्ज़ाम तो है नहीं है कि मतलब कि जैसे 8th क्लास तक के एग्ज़ाम्स होते हैं कि राइट टू एजुकेशन में उसको कवर कर लिया जाए, क्योंकि 12th के एग्ज़ाम को पास करने के लिए जो कोशिशें बच्चे कर रहे होते हैं, यानी कि जो अमीर लोग हैं वो अपने बच्चों की बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन्स दिला रखा होता है, जो गरीब लोग हैं वो अपने आसपास ट्यूशंस ढूंढ रहे होते हैं, जो बच्चों के कम मार्क्स आए थे 10th में उनके पेरेंट्स ने बहुत जोर लगाया होता है किसी तरह उनका बच्चा साइंस और कॉमर्स से पढ़ाई कर ले, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमारे यहाँ बच्चे के टैलेंट को तो निखारने का कोई ऐसा अरेंजमेंट है नहीं है, कहीं पर कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं है, ना स्कूलों के अंदर ना कॉलेजों के अंदर, और सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर, पैमाने के ऊपर हमें परखा जाता है बच्चों को कि उनके 10th में एग्ज़ाम में मार्क्स कितने आए, और प्लस उन्होंने वो 11th 12th में उनके पास सब्जेक्ट कौन से थे, मतलब वो मेडिकल था नॉन मेडिकल था, और बच्चे की इंटेलिजेंस का अंदाज़ा जो है वो रिश्तेदार हों, दोस्त हों, आने वाले वक्त में उनके सहपाठी हों, वो सभी इसी मुद्दे पर इसी बात के साथ लेते हैं कि उसके 12th में कितने मार्क्स आए थे और उसने सब्जेक्ट कौन से लिए थे, जो कि बहुत दुखद है। मैं इसमें बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि किसी भी बच्चे का टैलेंट जो है वो उसके इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन से सब्जेक्ट उसने लिए हुए हैं, वो मैथ्स पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, वो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है कि ज्योग्राफी पढ़ रहा है या साइकोलॉजी पढ़ रहा है या फाइन आर्ट्स पढ़ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर एक बच्चे के पास अपना एक इंटेलिजेंस लेवल होता है, हर एक बच्चे का अपना एक IQ होता है, उसको कुदरत ने एक टैलेंट दिया होता है, और ये ड्यूटी है सिस्टम की। सिस्टम में कौन कौन आते हैं, सिस्टम में उसके पेरेंट्स आते हैं, उसका आसपास का पड़ोस आता है, उसका स्कूल आता है, उसका पूरा समाज आता है, उसकी सरकार आती है, उसका बोर्ड आता है, कि वो सुनिश्चित करें कि उस बच्चे का टैलेंट वो स्कूल के टाइम पे ही रिकॉग्नाइज हो जाए, उसको नर्चर करने वाले लोग उसे वहीं उस अपनी कम्युनिटी में ही मिल जाएं, उसके आसपास ही। मतलब जैसे मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं बच्चों को अपने घर से 50 किलोमीटर दूर बसों में बैठ के जाते हुए देखता हूँ, सुबह 2 घंटे वो बस में जाते टाइम खराब करते हैं, 2 घंटे वो आते वक्त खराब करते हैं। आप समझ सकते हैं जब कोई बच्चा अपनी जिंदगी का 4 घंटा हर रोज ट्रैवलिंग पे वेस्ट करेगा, वो बच्चा कभी भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाएगा। तो बेस्ट तरीका क्या है कि उस बच्चे के लिए स्कूल उसके पड़ोस में, उसकी कम्युनिटी में अवेलेबल हो, मतलब वो अगर गांव में है तो उसके गांव में ऐसा स्कूल हो जिस तरह का हम किसी बड़े मेट्रो शहर के अंदर टॉप स्कूल महसूस कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें चाहिए क्या है, हमें इन चीजों के लिए जरूरत किन चीजों की पड़ती है, सबसे बड़ा सवाल ये पड़ता है कि मान लीजिए हमने एक कॉन्सेप्ट को हम लेकर के चले कि भाई जो है एक स्कूल हमने ऐसा बनाना है जो उस बच्चे के पड़ोस में हो, और वो उस बच्चे को वो सारी सुविधाएं दे रहा हो जो उसे किसी बड़े शहर में मिलने वाली थी। तो इसके लिए मुझे लगता है कि वही सब चीजें चाहिए जो आसपास के स्कूल्स दे रहे हैं जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं। जैसे मैं अभी थोड़े दिनों पहले, जब ये लॉकडाउन वाला सिस्टम नहीं चला था, उस वक्त हम गांव गांव जा करके लोगों को ये समझाया करते थे कि जिस तरह से आपका पैसा बर्बाद हो रहा है उस तरह से तो आप कभी भी तरक्की कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जिस गांव में, मान लो किसी गांव में 1000 से 1500 के करीब बच्चा है जो बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए, बाहर मतलब पड़ोस के किसी छोटे शहर में या दूर के किसी बड़े शहर में जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस गांव का जो गरीब आदमी है
मैं गांव का गरीब आदमी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि गांव में आज के टाइम में सिर्फ मजबूर लोग रह रहे हैं फिलहाल आज के टाइम पे। जबकि आने वाले वक्त में मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में गांव में वो लोग रहें जो गांव में रहना चाहते हैं और जो रियल में गांव को सुधारना भी चाहते हैं, और उस दिशा में हम लोग काम कर भी रहे हैं। मैं खुद शहर छोड़ करके, चंडीगढ़ छोड़ करके किसी न किसी गांव में बसने वाला हूँ। मतलब किसी न किसी गांव में, मैंने इसलिए बोला है कि हम 10-20 गांव का या 50 गांव का या 100 गांव का हम दौरा करेंगे। जैसे मैं अभी जब ये लॉकडाउन खुल जाता है तो जुलाई में, 15 जुलाई के बाद किसी भी दिन, हम अगस्त में भी हो सकता है और सितंबर में भी, डिपेंड्स अपॉन के हालात कैसे रहते हैं, कि हम मैं यहाँ से साइकिल यात्रा पे निकलूँगा चंडीगढ़ से, और पूरा हरियाणा हर डिस्ट्रिक्ट कवर करते हुए वापस चंडीगढ़ हम लोग पहुँचेंगे। इस दौरान हम गांव-गांव जाकर के गांव के लोगों को हम एक ऑफर देंगे कि हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम आपके बच्चों का टैलेंट अर्ली स्टेज में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। गांव का बेरोजगार बच्चा उसके लिए अपने टैलेंट और अपना वक्त देगा हमें, और वो हमें क्या, मतलब अपने गांव को देगा, और फिर हम उन्हीं बच्चों की मदद से हम वहां के सरकारी स्कूल को उस तरह का डेवलप करने की कोशिश करेंगे जो पड़ोस में जो प्राइवेट स्कूल आप ढूंढ रहे हैं या जैसा आपने अपने बच्चे के लिए एक सपना देखा है, हम ऐसे किसी स्कूल को बनाएंगे। इस दौरान में जितने गांव तैयार होते हैं, अब उसके लिए हमें अगर हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन जाके करना पड़ता है, रोज हमें अलग अलग गांव में मीटिंग्स करनी पड़ेंगी या जैसे भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे, लेकिन जितने भी गांव इस मिशन में हमारे साथ आएंगे, हम लोग उन गांव के अंदर इस प्रोग्राम को शुरू करने वाले हैं और बड़े अच्छे से करने वाले हैं। और बल्कि हमारा इस प्रोग्राम, जैसे हमारा गांव है, मेरे गांव के पास गांव है जयसिंहपुर, वहां हमने 2019 में शुरू किया था। 2019 में ही हमने एक गांव है हमारा अटेली के पास ताजपुर, प्रधान जी देख भी रहे हैं अभी, हमारे को इसमें वॉचिंग भी हैं, तो उनके गांव में हमने काम शुरू किया था, और किसी हद तक हम लोग ने शुरुआत सरकारी स्कूल से कर भी दी थी। बट जैसे हम सेकंड लेवल में एंट्री हुई हमारी 2 मार्च को, 1 मार्च को, और 22 मार्च को फिर लॉकडाउन लग गया 2020 में। उसके बाद हम कुछ कर ही नहीं पाए, तब से तो सब कुछ जाम है। तो हम इसको दोबारा से शुरू करने वाले हैं। उसका रीजन ये है कि जो पिछले 1 साल का घटनाक्रम देखा हमने, देखिए अपने देश में सबसे ज्यादा अगर किसी को सूचनाओं का, अगर किसी के पास आदान प्रदान हो सकता है या किसी के पास सबसे ज्यादा सूचना हो सकती है, तो वो है अपने देश के प्रधानमंत्री। तो अगर प्रधानमंत्री के पास ये सूचना है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जिस बीमारी की वजह से ये सारा लॉकडाउन चल रहा है, मान लीजिए 2 कारण हो सकते हैं, एक तो ये बीमारी बहुत खतरनाक है और दूसरी ये बीमारी कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें तो दोनों पहलुओं पे सोचना पड़ेगा। अगर हम अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, अगर हम सब कुछ मतलब सब कुछ अगर सरकार के हिसाब से ना चलें, क्योंकि नागरिकों का ये कर्तव्य है कि हम अपने दिमाग से सोचें और अपने प्रतिनिधियों से सवाल पूछें कि भैया आपने इस दौरान क्या किया, क्योंकि हम उनको चुनते इसीलिए है ना। अमित कुंडू जी ने सवाल पूछा, मैं इसका जवाब दूंगा अभी आपको थोड़ी देर में। तो मैं क्या है कि जब हमें हमें सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि अब हमारा स्टेप क्या होगा अगला। जैसे सबसे पहले ये होगा कि क्या ये बीमारी बहुत खतरनाक है। अब अगर नरेंद्र मोदी साहब के पास, मतलब हमारे प्रधानमंत्री के पास, क्योंकि इस देश में जो कुछ पिछले 7 सालों में हुआ है, इस बात से तो दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो इत्तफाक ना रखता होगा कि जो भी हो रहा है इस देश में, वो सब कुछ नरेंद्र मोदी की बदौलत हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो रहा हो चाहे वो बुरा हो रहा हो। मतलब क्योंकि देखिए, जिस वक्त आपको याद होगा नरेंद्र मोदी साहब का वो भाषण, जब पेट्रोल के थोड़े से दाम कम हुए थे, किसी राज्य में जो है वो रैली थी और उन्होंने ये कहा था, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, अगर मेरी किस्मत से, अगर मेरे होने से किसी चीज का दाम कम होता है तो इसमें विरोधियों को मिर्ची क्यों लगती है, ये उन्होंने ऐसा कुछ बोला था, और आपको ये यूट्यूब पर उनके वो भाषण मिल जाएंगे। तो इसका मतलब जो भी हो रहा है वो उनकी उससे हो रहा है। पूरी बीजेपी में, पूरे मंत्रिमंडल में, पूरी सरकार में किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी के डिसीजन की खिलाफत कर सके या वो नरेंद्र मोदी को पूछ सके। तो
मंत्रिमंडल में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो अपनी अकल का इस्तेमाल करके मोदी साहब को सजेशन दे सके। इस चक्कर में रघुरमन राजन इस्तीफा दे चुके हैं, इस चक्कर में चुनाव आयोग तो जो पहले वाले थे वो इस्तीफा दे चुके हैं, इससे पहले सीबीआई के डायरेक्टर इस्तीफा दे चुके हैं, इस अभी अभी एक और इस्तीफा दिया था जो साइंटिस्ट थे जो रिसर्च कर रहे थे इस कोरोना के ऊपर, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और उन्होंने ये कहते हुए इस्तीफा दिया था कि नरेंद्र मोदी साहब किसी की नहीं सुनते हैं। तो अब क्या हुआ कि जो कुछ हो रहा है अब उनकी बदौलत हो रहा है, तो और वो सूचनाएं भी उनके पास सबसे ज्यादा है। तो पहला हम ये मान के चल पड़ते हैं कि कोरोना बहुत खतरनाक बीमारी है। अगर ये खतरनाक बीमारी है और ये गई नहीं है, तो मोदी साहब को पिछले एक साल के दौरान जो टाइम हमें मिला, उस टाइम में ये देखते हुए कि हमारे पास अस्पताल नहीं है, अस्पतालों का अरेंजमेंट करना चाहिए था, हमारे लिए डॉक्टर्स नए भर्ती हो जाने चाहिए थे दूसरे अस्पतालों में, और जो एमबीबीएस के कोर्स हैं, एमडी के कोर्स हैं, वो बढ़ जाने चाहिए थे। जबकि हुआ क्या कि एमबीबीएस के कोर्स की फीस बढ़कर के 2 लाख से 10 लाख हो गई, कोर्सेज में जो सीटें थी वो कम हो गई, अस्पताल और कॉलेजेस जो हैं वो बंद होने शुरू हो गए, नए टीचर्स की नियुक्तियां नहीं हुई और हायर एजुकेशन का बजट घटा दिया गया। इसका मतलब अगर वो उनको मालूम था हमें जरूरत पड़ेगी ऐसे डॉक्टर्स की, तो उनको ये बढ़ाना चाहिए था जिस चीज को उन्होंने घटाया है। अब सलाह वो किसी की मानते नहीं, तो हम ये नहीं कह सकते कि उनको सलाह देने वाले खराब लोग हैं, तो सलाह तो वो किसी की मानते नहीं है। तो अब इसका मतलब उन्होंने वो डिसीजन जो है वो ये सोच करके लिया, वो इन्होंने डिसीजन क्यों लिया कि हमें आने वाले वक्त में डॉक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, हमें आने वाले वक्त में कॉलेजेस की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, जबकि हमारे देश में लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है। जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी अनुपात में नए टीचर्स भर्ती होने चाहिए, बैंक नए खुलने चाहिए, बैंक कर्मचारी भर्ती होने चाहिए, पुलिस के कर्मचारी भर्ती होने चाहिए, चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो, यानी कि उस पॉपुलेशन के बढ़ने से उसको सुविधा देने के लिए सरकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, ना कि कम होनी चाहिए। जबकि पिछले 7 सालों में 12 करोड़ नौकरियां तो खत्म हो गई, नया सृजन तो छोड़ दीजिए, नई कोई नौकरी लगेगी उसके बारे में तो सोचना ही बंद कर दीजिए, 12 करोड़ नौकरियां खत्म हो गई। तो इसका मतलब कि जो काम पहले चल रहा था, ये जो 12 करोड़ लोग घर बैठे हैं, उन 12 करोड़ लोगों का काम उनको करना पड़ेगा जो ऑलरेडी इस वक्त नौकरी पर हैं। जब पहले ही उनको टाइम नहीं मिल रहा था काम करने का, जब पहले ही सही से काम नहीं हो रहा था, तो अब इन 12 करोड़ लोगों का बोझ जब उनके ऊपर पड़ जाएगा तो वो काम को कैसे ठीक से करेंगे, ये एक सवाल है जो हम सबको पूछना चाहिए उनसे। इसमें कोई मतलब ऐसी कोई बात है नहीं कि हम कोई विरोध कर रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि जो ये नौकरियां गई हैं इनका काम कौन करेंगे जो नौकरियों पर ऑलरेडी हैं, और वो तो ऑलरेडी काम का बर्डन था उनके पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो नरेंद्र मोदी साहब, अच्छा चलो वो तो किसी की सलाह तो लेते ही नहीं है, तो इसका मतलब ये था कि उनको मालूम था कि अगर हम नई भर्तियां नहीं करेंगे, नए डॉक्टर्स नहीं लाएंगे, हम नए अस्पताल नहीं बनाएंगे, तो आने वाले वक्त में ऐसी सिचुएशन होने वाली है। अब रही बात कालाबाजारी की, अब देखिए बीमारी कोई ये सोच करके या ये देख करके तो आएगी नहीं कि हम मोदी के भक्त हैं कि नहीं हैं, हम कांग्रेस के हैं कि सपा के हैं कि बसपा के हैं, कि हम इनेलो के हैं कि कांग्रेस के हैं कि बीजेपी के हैं, आरएसएस के हैं कि बजरंग दल के हैं, ऐसा कुछ सोच करके बीमारी नहीं आएगी। बीमारी तो जिसको आ गई उसे जरूरत पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे केसेस आपने देखे, सूरत के अंदर उस बंदे को जिसने 2.5 लाख रुपया पीएम केयर फंड में दान दिया था, उस बच्चे को अपनी माँ के लिए जो है वेंटिलेटर नहीं मिला, बेड नहीं मिला अस्पताल में, और उसकी इंतहा देखिए बेवकूफी की कि वो अब ये पूछ रहा है कि और कितना दान करूं कि अगर तीसरी वेव आती है तो मेरे को मेरे बच्चे के लिए अस्पताल में जगह मिल जाए। ये देखिए ये उस आदमी की, हमारी जनता की ये कॉन्शियस ये कह रही है कि हम इस आपदा के लिए अभिशप्त हैं। मतलब ये हमारी हमारी मतलब आप ये क्या कह सकते हैं कि ये हमारा बुरा दुर्भाग्य था, मतलब ये किस्मत के ऊपर छोड़ रहे हैं। दूसरा आपने केस वो मालवीय का, अमित मालवीय का, कौन सा मालवीय था वो, आई डोंट रिमेम्बर, आगरा से वो लड़का था शायद, और उस बच्चे ने मतलब अभी राम मंदिर के लिए भी बड़ी मेहनत करी थी और बड़ा
जबरदस्त भगत था, अपनी गाड़ी के पीछे लिखवा रखा था, कोई खिलाफत में करता था तो उसको कहता मुंह तोड़ दूंगा तेरा अगर तूने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोला तो। जब उसकी मदर को बेड की जरूरत पड़ी तो यकीन मानिए आगरा में उसको बेड नहीं मिला। पहले उसकी मदर की डेथ हुई और उसके बाद उसकी डेथ हुई। अभी आईसीएमआर ने जो है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च जो है हमारे देश में, जो ये प्रोटोकॉल तय करती है कि हमारे मरीजों का कौन सी बीमारी का इलाज कैसे होगा, हमें कौन से टेस्ट कराने पड़ेंगे, उसने वो सारे के सारे मेथड्स विड्रॉ कर लिए जिनकी बदौलत, जिनसे इलाज हो रहा था। मतलब जब ये वेव पीक पर थी उस वक्त आईसीएमआर ने ही ये आदेश जारी किए थे कि आपको इलाज ऐसे करना है, और अब जब ये वेव खत्म हो रही है तो उसने ये कहा कि अब हमें इससे इलाज नहीं करना है। जैसे ही उस पद्धति से इलाज होना बंद हुआ, मतलब जो एक टेस्ट था स्टीरोइड दे दिए, और मतलब जो बीमारियां दे दी एंटीबायोटिक दे दिए, और उस तरीके से जैसे दिया तो मौतें ज्यादा हो रही थी, ज्यादा हो रही थी। एक पैनिक अटैक एक बहुत बड़ा कारण बन रहा था लोगों की मौतों का, और दवाइयाँ और अस्पतालों में जो है वो मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। अब कमाल की बात यह है कि जिस वक्त ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं, उस वक्त गांव के सड़क पे चलने वाले गरीब से गरीब आदमी को ये मालूम है कि ब्लैक में इंजेक्शन कहाँ मिलेगा, ब्लैक में दवाइयाँ कहाँ मिलेगी, ब्लैक में मतलब बेड जो है वो कितने रुपए का मिलेगा। लेकिन सरकार के किसी आदमी को नहीं पता था। सरकार के आदमी सिर्फ इस काम पे लगे हुए थे कि हमें ज्यादा से ज्यादा चालान कैसे काटे जाएं। मतलब ये एक सवाल पूछने का बनता है, आप चाहे इसमें बुरा माने चाहे भला माने, अगर कोई ऐसा बंदा है कि जो इसमें ये सोचता है कि हम विरोध कर रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं, लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा, हमारे टैक्स के पैसे, हमारे वोट की ताकत से उनको ये ताकत मिली है कि वो 8,000 करोड़ रुपए का अपने लिए जहाज ले आते हैं, एक अच्छा खासा संसद का भवन है उसको तुड़वाएंगे वो आने वाले वक्त में, और नया भवन बन रहा है, जबकि वहां लाखों पेड़ कटने के बाद वो बन रहा है, सबसे ग्रीन एरिया को काट करके बर्बादी हो रही है। कोरोना के इस काल में भी उसको उन्होंने असेंशियल वर्क में रखा हुआ है, वहां खतरे में डाल करके उन मरीजों को। तो हम जो पूछ रहे थे कि या तो उनको मालूम था कि ये बीमारी खतरनाक है तो उन्होंने इलाज नहीं, उन्होंने इंतजाम नहीं किए, और अगर ये खतरनाक नहीं है तो फिर उन्होंने स्कूल कॉलेजेस बंद क्यों किए। दोनों ही तरफ सवाल सरकार के ऊपर उठता है कि आपने वो इंतजाम क्यों नहीं किए। दूसरी चीज, मैं आपके बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, मैं उसके इम्पैक्ट, मैं उसके साइड इफेक्ट बता रहा हूँ। ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर वो मोबाइल पे बैठे रहेंगे, मोबाइल पर बैठते बैठते वो गेम भी जरूर खेलना शुरू कर देंगे, ऑनलाइन गेम भी खेलेंगे, ऑनलाइन परचेजिंग भी करेंगे, उसके बाद उनकी आंखें भी खराब होंगी, उनका दिमाग भी ब्लॉक होगा, नर्वस सिस्टम भी डाउन होगा, और उसके बाद आप समझिए, आपने शायद अभी तक ये रिसर्च शायद नहीं देखी होगी, आप गूगल कर सकते हैं, इस वक्त भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो चीज सर्च की जा रही है वो है पॉर्न साइट्स। तो आपके बच्चे बेसिकली पॉर्न साइट देखते हुए बड़े हो रहे हैं, वो चाहे इंस्टाग्राम चलाते हैं, चाहे फेसबुक, चाहे वो क्या बोलते हैं इसको, ट्विटर चलाते हैं, या जो भी वो साइट यूज कर रहे हैं, उनके सामने टारगेटेड ऑडियंस, टारगेटेड मटेरियल आ रहा है कि उनकी उम्र कितनी है, वो क्या काम करते हैं, कौन सी क्लास का सिलेबस पढ़ रहे हैं, और आप देखिए आपके हर क्लिक के ऊपर नजर होती है। और इसके बारे में आप एनालिटिका जो कौन सी थी वो, मैं आई डोंट रिमेम्बर, जिन्होंने ट्रंप का जो इलेक्शन लड़ा था, पूरी की पूरी एक पूरा बवाल मचा था उस कंपनी के ऊपर, जो हमारी हर क्लिक को एनालाइज करती थी कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या सर्च कर रहे हैं, क्या क्या ब्राउज कर रहे हैं। तो आपके बच्चे पॉर्न साइट देखते हुए बड़े हो रहे हैं, स्कूल में जो सिलेबस स्कूल का करा रहा है टीचर, मुझे नहीं लगता उनको कुछ भी समझ आ रहा होगा, कुछ भी नहीं आ रहा, आई गारंटी फॉर दैट। ऑनलाइन पढ़ाई, जिस प्रकार से आप अगर काम करते हैं, मान लो सरकारी हैं या प्राइवेट डिपार्टमेंट में, जैसी आपकी मीटिंग्स होती हैं जितनी ध्यान से और जितने उससे, उतने ही उनकी ऑनलाइन पढ़ाई होती है, बल्कि उससे भी कम, क्योंकि जिन बच्चों को क्लास में समझ नहीं आ रहा था उन बच्चों को ऑनलाइन कैसे आएगा, मुझे ये डाउट है इसमें बिल्कुल। और ये जो जमात इकट्ठी होगी, यानी कि अगर मैं इस जमात को क्या कहूँ कि कितना बच्चा है जो प्लस टू में अपीयर होता है, अगर मैं सर्च करूँ, अगर मैं ये देखूँ
स्टूडेंट्स अपियरिंग इन 12th, 12th में कितना बच्चा अपियर होगा, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर मैं देखता हूं कि इन इंडिया मतलब, तो ये आपके पास आता है बोर्ड एग्जाम में अकेले सीबीएसई के अंदर लगभग 11 लाख बच्चों ने अपियर हुए थे पिछले साल सीबीएसई में, और काउंसिल आईसीएसई में हुए थे लगभग 75,000 बच्चा, और इंटरमीडिएट आंध्रा में 5 लाख बच्चा। इस तरह से ये सारे बोर्ड्स में मिला करके मैं जहाँ तक समझता हूँ ये 50 लाख के करीब तो बच्चा होगा ही। ये आ गया आंकड़ा टोटल अप्रोक्सीमेट 1,44,00,000 बच्चा, 1.5 करोड़ बच्चा जो है, मतलब आप समझिए ये आंकड़ा मैं देख रहा हूं 2020 का सीट मैट्रिक्स है ये, जो 1 करोड़ स्टूडेंट्स अपियर एक फॉर 12th एग्जाम, यानी कि ये आंकड़ा हुआ 1,44,00,000, यानी कि 1.25 करोड़ के करीब जो आंकड़ा था वो बच्चे हैं जो 12वीं में अपियर हुए हैं सारे बोर्ड्स में मिला करके पूरे देश में। तो 1.5 करोड़, 1,44,00,000 मैंने बोला, 1,44,00,000 33,107 ये टोटल आंकड़ा है। मैं अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आप देखिए, ये थे यहाँ था ये बोर्ड एग्जामिनेशन 2020, ओवर 1 करोड़ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन 12th 2020 में, और ये नीचे आंकड़ा आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप देखिए ये वाला आंकड़ा, ठीक है 1,44,00,000। अब ये 1,44,00,000 बच्चा ऐसा है जो पॉर्न साइट्स देख के बड़ा हुआ है और जो सोशल मीडिया की गंदगी से को ही देख रहा है पूरे दिन, मतलब वो होमवर्क के नाम पे भी मोबाइल चला रहा है और वो मतलब बाकी गेम खेलने का टाइम तो वो अलग से ले लेता है, वो होमवर्क के टाइम पे भी गेम ही खेल रहा है या कुछ और कर रहा है, चाहे सोशल मीडिया साइट्स पे जा रहा है चाहे कुछ भी कर रहा है। अब सोचिए पिछले साल से लेकर 2020 से, 2020 का साल गया, 21 अभी मतलब 20 में तो ये लॉकडाउन लगा था, 21, 22, 23 और 24 1.5 करोड़ के हिसाब से 4 सालों के अंदर, 24 की मार्च में, क्योंकि हमारे जो इलेक्शन हैं वो मई 2024 में है अगर हुए तो, मतलब उससे पहले अगर 2022 में जिस चीज के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह जाने जाते हैं उस हिसाब से इलेक्शन से पहले दंगे होंगे या नहीं होंगे, ये एक संशय बना हुआ है लोगों में, जो कि उनकी यूएसपी है जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने उनको वोट किया है, ये दुर्भाग्य है इस देश का, मैं इसको अच्छी बात नहीं मानता हूं। तो 2024 में ये इस तरह से क्या होगा, लगभग 6 करोड़ बच्चा ऐसा हो जाएगा जो 12वीं मतलब पास कर चुका होगा, यानी जैसे 1.5 करोड़ बच्चों ने 2021 में पास किया, इसी तरह से 22 में 23 में 24 में, तो 6 करोड़ बच्चा बिना स्कूल की पढ़ाई के 12वीं पास किया है, 12वीं पास करने का मतलब 18 साल का हो गया है, मतलब अब वो वोटर है, 6 करोड़ वोटर बिना अकल के इसने पैदा करने हैं, ये इसकी प्लान है, स्ट्रेटजी है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य कैसा होने वाला है। इन बच्चों के माँ बाप कॉलेज की डिमांड नहीं कर सकते, इन बच्चों के माँ बाप को ये नहीं पता इनका बच्चा कितना पढ़ा लिखा है, इन बच्चों के माँ बाप इनके लिए कभी भी रोजगार डंके की चोट पर नहीं मांग पाएंगे, उसका कारण यह है क्योंकि उन माँ बाप ने 2016 के बाद बेरोजगारी के आंकड़े आने जब बंद हुए तो उस पर सवाल उठाना ही बंद कर दिया, यानी कि उन्होंने यही नहीं पूछा सरकार से कि तुम बेरोजगारी के आंकड़े क्यों नहीं दे रहे हो, तो अब हमारे को यह भी नहीं मालूम है कि अपने देश में कितने बेरोजगार हैं, अब हमें यह भी नहीं पता है कि हमारे देश में रोजगार के अवसर क्या क्या हैं, वो सब कुछ जो है वो इन्होंने अपने जो पिछले जो कुकर्म थे उनको इस कोरोना में ढकने की कोशिश की है, जो कि ढके नहीं जाएंगे। मैं एक रिसर्च और कर रहा हूं जिसके अंदर 14 से लेके अब तक जो इन्होंने किया है मैं उसकी पूरी की पूरी शीट निकाल रहा हूं, कब इन्होंने बैकडोर एंट्री करी यूपीएससी के थ्रू, आईएएस लगाए जो हर, कब उसने आर्मी का सीडीएस लगाया, कब यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स लगाए, कौन लगाया, कैसा लगाया, कब उन्होंने रोहित
वेमुला को मारा, कब उन कन्हैया कुमार के ऊपर आक्रमण किया, कब गौरी लंकेश को गोली मारी, कब नरबन नक्सल के खिलाफ केस किया, कब पुरस्कार वापस करने वालों के ऊपर किया, ये इन सब चीजों के ऊपर मैं पूरा एक रिसर्च कर रहा हूँ कि इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं सोसाइटी के ऊपर, और फिर मैं आप लोगों के सामने आऊंगा लंबी चौड़ी 3-4 वीडियोज के थ्रू आना पड़ेगा और वो हम इसमें देंगे। तो ये एक ऐसी जमात होने वाली है इकट्ठी, तो आप सोच सकते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य क्या है। अब 90 मिनट में सीबीएसई एग्जाम लेने की बात कर रही है, और ये क्यों कर रही है? क्योंकि दो कारण हो सकते हैं, या तो जो ये अपने पोखरियाल साहब हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ये करोना देवी से मिलकर आए हों, उन्होंने कहा हो कि बच्चों तुम 90 मिनट का पेपर ले लो, मैं नहीं आऊंगी 90 मिनट में, जब पेपर हो जाएगा तो मैं चली जाऊंगी, फिर मैं ओपन में आ जाऊंगी। मतलब 90 मिनट के लिए पेपर के हो सकता है, मतलब इट इज लाइक रिडिकुलस कि अगर कोरोना है तो, और अगर नहीं है तो फिर स्कूल बंद करने का लॉजिक क्या है? ये दोनों तरफ फंसते हैं, इसीलिए इनके ऊपर सवाल उठाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके बच्चे आने वाले वक्त में गुलामी की जंजीरों में जकड़े जाने वाले हैं। आपने अगर ये तीनों काले कानून, जिनको काले कानून बोल रहे हैं, ये कृषि कानून अगर आपने पढ़ लिए तो आपकी आंखें फट जाएंगी कि ये क्या करने वाले हैं। हमने इसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ देवेंद्र बलहारा करके सर्च करेंगे, वहाँ आपको इस इन काले कानूनों की डिटेल वहाँ मिल जाएगी आपको यूट्यूब के ऊपर, कि इनमें एक एक लाइन वो कौन सी है जो आपकी आने वाली पीढ़ियों को गुलाम करने वाली है। तो मैं ये बात कह रहा था कि हम टोटली इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करते हैं कि पेपर छोटा हो। हम ये कह रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी को ये मालूम है कि ये बीमारी की वजह से लोग नहीं मर रहे हैं, क्योंकि मैं ये भी रिसर्च कर रहा हूं कि कौन सी बीमारी से कितने लोग मर रहे हैं। क्या आपको मालूम है इस पूरी दुनिया में करीब 6 लाख लोग हर साल सिर्फ इस वजह से मरते हैं कि उनको इलाज नहीं हो पाता? समझ रहे हैं आप? 6 लाख लोग इस बीमारी से, तो 10,000 लोग मरे थे पिछले साल अपने देश के अंदर, जो लाखों लोग, हाँ 10 लाख से ज्यादा लोग करीब करीब पूरी दुनिया में सीजनल फ्लू से मरता है, जुकाम खांसी से जो हर साल होता है। अपने देश में ट्यूबरक्लोसिस टीबी से हर 5 मिनट में 2 आदमियों की मौत होती है, और हमने उसे बहुत नॉर्मल माना हुआ है। दस्त लगने से हमारे देश में इससे ज्यादा मौत होती है जितनी इस बीमारी से हो रही है, जिसको ये बहुत भयंकर कह के हमें घरों में कैद करके हमारे धंधे चौपट कर रहे हैं, हमारी मार्केट को खत्म कर रहे हैं। आप इस बात को ये समझना पड़ेगा आपको। जो अस्पतालों में आपने मौत का मंजर देखा है टेलीविजन के थ्रू, वो पैनिक अटैक फैलाने के लिए प्लान्ड स्ट्रेटजी थी लोगों को मारने की, इनको इंतजाम ना करने की। अरे आम आदमी को मालूम है ब्लैक में चीजें कहाँ मिल रही हैं, सरकार को नहीं मालूम है क्या? सब पता है, उनकी मिलीभगत है, उन्हीं के लोग हैं जिनकी फैक्ट्रियां हैं, वो उन्होंने अपने लोगों को अब ऑक्सीजन के प्लांट लगा दिए। अब ये सारे के सारे कंस्ट्रक्टर बन रहे, ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर्स बिक रहे हैं, जो ये सारे इन्हीं के आदमियों के हैं। ये सारा प्लान्ड गेम है, आप नहीं समझ पा रहे, क्योंकि हो सकता है कि आप उस एंगल पे नहीं सोच पाते हो, बट क्योंकि मैं इनके बीच भी रहता हूँ, ये इनसे मुलाकात भी रहती है, तो हमें मालूम है कि किस हद तक सोचते हैं, इसलिए इनके ऊपर सवाल उठाना बहुत जरूरी है। और हालांकि इनके साथ लग के लोगों को बेनिफिट हो सकता है, मेरे जैसे आदमी जो है जिसके पास इतना दिमाग हो उसका ये बड़ा फायदा उठाते हैं और उससे हमें भी फायदा हो जाता है, इसका तो उल्टी उल्टा नुकसान होता है सरकार के खिलाफ बोलने का। तो हमारा कहीं काम धंधा चल रहा होता है, पिछले बार आपको याद नहीं है, जब 2020 से पहले से 1 साल में करीब करीब 10 लाख रुपए का मेरा नुकसान सिर्फ इसलिए होता था कि स्कूल मुझे इसलिए नहीं बुलाता था कि बोलते थे कि सरकार के आदमी कह रहे हैं इसको नहीं बुलाना है क्योंकि ये सरकार के खिलाफ लिखता है, तो हमारे पैसे जो है हमें वापस देने पड़ते थे जिस चीज के लिए हमें बुलाया जाता था। आप समझ रहे हैं? तो ये एक बड़ा खेल है जिसको समझना बहुत जरूरी है, और आपको लोगों आप लोगों का ये मुझे लगता है आप लोगों को सवाल उठाने की आदत डालनी पड़ेगी, और सड़क पर उतर कर सवाल पूछना पड़ेगा, क्योंकि टेलीफोन, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब आपके चेक होते हैं, सब आपकी ऊपर निगरानी रखी हुई है। अब हम ज़्यादा समय ना लगाते हुए हम कुछ सवाल ले लेते हैं जो शुरू से लेके अब तक लोगों ने अगर कुछ पूछा होगा तो हम देख लेते हैं। अमित कुंडू साहब कह रहे हैं कि छोटे बच्चों, हम जो एक चीज़ फाइनल रह गई वो ये कि हम इस चीज़ का विरोध करते हैं
कि एग्जाम छोटे हों 12वीं के, सभी पेरेंट्स अपनी अपनी फेसबुक वॉल पे लिखिए, आप अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियोस बना के भेजिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में लिखिए, वहां पर जो इनके लोग हैं आईटी सेल के, वो अपने आप पहुंचा देंगे कि भैया पब्लिक ऐसा बोल रही है। और आप लिखना कंटिन्यू रखिए, गालियां मिलती हैं मिलती रहे, जो एक दो दो रुपए कमेंट का, एक कमेंट का 2 रुपए मिलता है, एक ट्विटर का, एक रीट्वीट करने का 2 रुपए मिलता है आईटी सेल वालों को, ये हमें पता है। ये बेरोजगार इसीलिए कर रहे हैं ताकि और सस्ते रेटों में इनको बेरोजगार मिल सके वहां आईटी सेल में खेलने के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब सबको पता है जितनी गंदी गाली देगा अगर कोई, तो सबको मालूम है कि गंदी गाली देने वाला आदमी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की आईटी सेल का आदमी है और कुछ भी नहीं है। उसकी खासियत ये होगी, प्रोफाइल लॉक्ड होगा, या तो लड़की की फोटो होगी या किसी भगवान की फोटो होगी, या भगवा झंडा होगा, या फिर आई सपोर्ट कैब पैब, ये बकवास लोग हैं सिर्फ। इनको इनको कोई नहीं पूछता, अब इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, वो आकर के थोड़ा बहुत गंद फैलाते हैं, और गंदगी तो सड़क पे भी मिलती है, तो उसको धोया जाता है, और क्या दिक्कत होती है। तो अगर यहाँ भी आएगी वॉल पे तो उसे साफ कर देंगे, कोई इशू नहीं है, डोंट वरी, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब है कि अमित कुंडू साहब बोल रहे हैं, छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाएं, थर्ड सेकंड फर्स्ट स्कूल को क्लोज रहें, क्या करें। देखिए कुंडू साहब, छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस टोटली बुलशिट हैं। तो इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है, पड़ोस में गली में किसी भी बच्चे को आप ले लीजिए, हम ट्रेनिंग सेशंस ऑनलाइन भी कर सकते हैं उन टीचर्स का जो चाहते हैं टीचर बनना, आप अपने बच्चों को उनको सौंप दीजिए और वो आपके बच्चों को पढ़ा लेंगे पड़ोस में ही, कुछ नहीं है। ये बीमारी बीमारी स्कूल बंद हो गए हैं, लेकिन आप उसके अंदर मतलब अपने पड़ोस में आप बच्चों को पढ़ाइए, उनके लिए इकट्ठे होकर के आप अरेंजमेंट्स करिए इस रिसोर्सेज का, चाहे किताबों का हो, चाहे खिलौनों का हो, चाहे प्ले वे मैथड से जिस जिस चीज की जरूरत हो, ये आपको आगे आकर के करना पड़ेगा। और जितना हो सके प्ले वे मैथड से ही बच्चों को पढ़ाइए, शुरुआत में किताबों का बोझ उनके ऊपर ना डालिए, कम से कम पहली 3-4 साल तो बिल्कुल भी नहीं। हमारा पहला फोकस 2-3-4 चीजों पर होना चाहिए। पहला, बच्चा हमारी बातों को कितना ध्यान से सुन रहा है, उसके लिए स्टोरी टेलिंग टाइप की, कहानी टाइप की और डिस्कशन टाइप का मैटर सबसे अच्छा रहता है। दूसरा, वो अपनी सुनना, उस जो उसने समझा है उसको एक्सप्लेन कैसे कर रहा है, बोल कितना अच्छे से रख पा रहा है। और तीसरा होता है फिर वो पढ़ कितना पा रहा है, और चौथा होता है फिर वो लिख कितना पा रहा है। यानी पढ़ना और लिखना किताब का सबसे आखिर में आता है, पहले लिसनिंग और स्पीकिंग वाले स्किल के ऊपर काम करिए, और फालतू जो है चीजों की तरफ फालतू ध्यान मत दीजिए। आपका बच्चा दुनिया में किसी से पीछे नहीं रहने वाला है, अगर आप में इतनी समझ है कि आप इस चीज को पहचान पाए कि उसके बच्चे आपके बच्चे के पास क्या टैलेंट है, तो उसी टैलेंट के लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि पढ़ने के लिए सिर्फ 10% या 15% बच्चा ही पैदा हुआ है। तो 85% बच्चा वैसे भी सोसाइटी के अंदर उस कैटेगरी में आता है जो उन 10% ने रिसर्च करी थी, उस रिसर्च को प्रैक्टिकल रूप में समाज में कैसे उतारे, या फिर समाज को एंटरटेनमेंट कैसे दे, आर्ट के थ्रू उनकी जिंदगी कैसे एक्सप्लेन करे, अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करे, नई सोच को कैसे डेवलप करे, इंडस्ट्रीज को कैसे बनाए, एनवायरमेंट को कैसे खूबसूरत बनाए, दुनिया को कैसे खूबसूरत बनाए। बाकी का 85% का काम ये होता है, और चिंतन का काम होता है, और उसका काम होता है लिखने पढ़ने का काम होता है 10 से 15% लोगों का, इतना बहुत होता है इतने बच्चों को, और इतना कुदरत ने दिया होता है। नेक्स्ट जो सवाल है, बेबी मोबाइल में गेम प्ले करते हैं और यूट्यूब पर सॉन्ग ओनली। आई नो, मैंने ये बोल दिया है पहला ही, और फर्स्ट सेकंड के बच्चों की रीडिंग के लिए गाइड करें प्लीज, ये शीनू बोल रही है। शीनू जी, मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने बताया अभी अभी, पहली और दूसरी क्लास के बच्चों के लिए कहानियां कहते जाइए, कहानियां सुनते जाइए, कहानियां पढ़ते जाइए, और कुछ काम मत करिए फिलहाल किताबें, और उनको बेशक आप साइड में रख सकते हैं, और किताबों के माध्यम से सिर्फ कहानियों पे फोकस कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है बहुत सारा लिखना आता हो आपको। प्ले वे के माध्यम कुछ ऐसे खिलौने ले आइए जिससे उनके बच्चों की कंस्ट्रक्टिव जो अप्रोच है वो थोड़ी बढ़े, कुछ ऐसे ले आइए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप हो, और इसके लिए आपको मार्केट खुलवानी पड़ेंगी, इसके लिए आपको सवाल उठाने पड़ेंगे, अपने बच्चों को बर्बाद होने से रोकना है तो यही एक रास्ता है। दूसरा है, योगेश जांगिड़ बोल रहा है कि फीस क्यों बढ़ाई, जरा एक्सप्लेन करें। भाई साहब क्यों गुमराह कर रहे हो, योगेश जांगिड़ बोल रहे हैं फीस क्यों बढ़ाई, जरा एक्सप्लेन करें, किस चीज की फीस बढ़ाई भाई योगेश, हमें नहीं पता क्या बोल रहे हैं।
अगर मेरी फीस बढ़ाने की बात करें तो वो तो मेरी मर्जी है, मैं कितनी भी फीस लूं। और उसका एक लॉजिक ये है कि हम गांव के जिस एजुकेशन सिस्टम पे काम कर रहे हैं उसके लिए हमें टाइम चाहिए, तो हम बहुत सारा पैसा जो है वो बहुत सारा टाइम इन चीज़ों पे नहीं लगा सकते। और मुझे नहीं पता आपने किस चीज़ की फीस बढ़ाने की बात करी है। योगेश को मुझसे कोई खास दुश्मनी भी नहीं है हमारी, तो कोई बातचीत भी नहीं है, इसको तो कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी मेरी। एजुकेशन सिस्टम में रोजगार सिस्टम नहीं है, बिल्कुल कुंडू साहब नहीं है। परीक्षा के अन्य विकल्प नहीं है, नहीं है गोयल साहब, परीक्षा का अन्य कोई विकल्प नहीं होता है। आप ऑनलाइन परीक्षा के लिए हमारा देश अभी तैयार नहीं है। हमारे यहाँ तो यार साइबर क्राइम ऑनलाइन शुरू कर दिया, चीटिंग हो जाती है, उसके लिए साइबर क्राइम नहीं है, कोई लॉ नहीं है हमारे आईपीसी के अंदर कि अगर किसी की मतलब किसी का पैसा अगर लूट जाए तो उसको वापस दिलाने का या उसको ढूंढने का, ट्रेस करने का। तो ये तो छोड़ ही दीजिए, एग्जाम ऑनलाइन कैसे करोगे आप। फीस क्यों बढ़ाई? अरे भैया पता नहीं किसकी फीस है, आप आ जाओ, दीप जनेवा बोल रहे हैं, आप आ जाओ, आप बता दो क्यों बढ़ाई। कमाल है, फीस बढ़ाने को भी जस्टिफाई करोगे सवाल पूछने के पीछे, कुछ नहीं, चलो पता नहीं क्या है। दिनेश गोयल कह रहा है महामारी के कारण मौत के आंकड़े तो सही आ ही नहीं रहे, स्वास्थ्य सिस्टम का ढांचा सामने आया। साहब इस बीमारी का खेल ये हुआ, जैसे आपने रोहित सरदाना का केस अगर आपको पता हो कि वो पहली रात अपने जीजा से बात कर रहा है कि मेरा नेगेटिव आया है कोरोना, और डॉक्टर सुबह कह रहे हैं कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, और सुबह उनकी डेड बॉडी आती है और फिर उसका कोरोना पॉजिटिव आता है। कोरोना का खेल, जो भी किसी भी बीमारी से आप मर रहे हो लास्ट में आपको कोरोना पॉजिटिव बताया जाता है, और ये कह करके कि इसकी मौत कोरोना से हुई है, जबकि पूरे दुनिया के अंदर असलियत ये थी पिछले साल 0.26%, यानी कि लगभग 3,000 बीमार अगर होते थे, 3,000 लोगों को अगर कोरोना होता था तो 3,000 में से एक बंदा किसी की डेथ होती थी, वो भी उनकी जिनको ऑलरेडी कोई क्रिटिकल इलनेस थी। इसी वजह से अब की बार जानबूझकर ऐसी इलाज की पद्धति शुरू करी जिसके अंदर लोग ज्यादा बर्बाद हुए, जिसके अंदर लोग ज्यादा मरे। ये हत्याएं थी, ये मौतें नहीं थी, ये बहुत स्पष्ट तौर पे हम लोग कह चुके हैं और इसके ऊपर सवाल भी हमने उठाए। और ये ढांचा अगर खराब था तो सिस्टम से सवाल पूछना बनता है, सरकार से पूछना बनता है। सुनील कह रहा है और देशों में भी मारे गए। अरे तुम्हें ये नहीं मालूम है भैया जी कि और देशों में कितने लोग मरे हैं, अपने देश में कितने लोग मरे हैं और किन कारणों से मरे हैं, एक बार रिसर्च कर लेना। और अगर नहीं तुमसे होता है तो वीडियोस देखना, आने वाले टाइम पे मैं आपको हर बीमारी से मरने वाले लोगों का आंकड़ा दूंगा। अपने देश में सुसाइड करने वाले बच्चे और किसानों का टोटल इस कोरोना से ज्यादा है, मरने वाले लोगों से ज्यादा है। मैं आपको बता दूं 10 लगकर मरने वाले लोगों को, मरने वालों की संख्या इससे ज्यादा है। इलाज ना मिलने की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या इससे ज्यादा है। कैंसर से मरने वाले लोगों की इससे ज्यादा है। पॉल्यूशन से मरने वाले लोगों की संख्या इससे ज्यादा है, अकेले अकेले टोटल नहीं, पॉल्यूशन से, तंबाकू की और दारू की वजह से मिलने वाले लोगों की संख्या इससे ज्यादा है, इससे मरने वालों से ज्यादा है। मलन्यूट्रिशन, कुपोषण से इससे इससे ज्यादा लोग मरे हैं। तो अपने देश के अंदर ये सिचुएशन है, क्योंकि आप लोगों ने कभी दूसरी चीजों पे सवाल नहीं पूछा, हम लोग पूछते भी रहते हैं और कहते भी रहते हैं, लेकिन फिलहाल ये बीमारी आई है तो इसलिए बोलना जरूरी है। मीनाक्षी शर्मा कह रही है भाई साहब माई हस्बैंड डाइड ऑफ दिस सो कॉल्ड सिंपल फ्लू एंड ही वॉज सुपर हेल्दी पर्सन, हाउ कैन यू से द डिजीज डजेंट एग्जिस्ट। मीनाक्षी जी, मैंने ये सब बिल्कुल नहीं कहा कि ये बीमारी एग्जिस्ट नहीं करती, मैंने कहा है ये बीमारी है, महामारी नहीं है, और इस बीमारी से ज्यादा लोग पहले से हमारे देश में मरते आ रहे हैं, उनके ऊपर सवाल उठाना भी जरूरी था। लेकिन अब की बार इस बीमारी के अंदर कैसे मौतें हुई हैं ये खुलासा या तो जांच के बाद पता चल सकता है या फिर पूरा डिटेल देंगे, और आईसीएमआर ने अपनी रिपोर्ट में बता दिया कि कैसे लोग मरे हैं। और एक बार मेरी इसी वॉल पर, जो मैं जिस पेज पर मैं अभी लाइव हूँ, इसी पर नीचे आप जाएंगे तो पैनिक अटैक का एक मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है, डॉक्टर अजय बलहारा ने लिखा था, उसी को मैंने कॉपी किया था, आप उसको देख लीजिएगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि लोग कैसे मर रहे हैं। बार बार एक्सप्लेन करने का कोई तुक होता नहीं है। और हाउ कैन यू से कोविड इज गवर्नमेंट स्कैंडल टू कीप यू लॉक्ड इन होम। सुनील पूछ रहा है कि ये हमें घरों में रोकने का कैसे स्कैंडल है, तो
इसके ऊपर मैं पूरा का पूरा खेल लेकर के आऊंगा आपके सामने, पूरी डिटेल में मैं आपके सामने आऊंगा कि ये कैसे है सरकार का खेल। फिर आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि ये किस तरह से है। मैं पूरी योजनाओं के साथ और एक एक चीज का सबूत और डेट के साथ लेकर के आऊंगा कि कैसे खेल है। आपने बताया बट मनी प्रॉब्लम है, नहीं मनी प्रॉब्लम नहीं है कुंडू साहब, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग एक आदमी अगर सारा खर्चा करता है तो प्रॉब्लम है, बट अगर हम इकट्ठा होके करते हैं तो बहुत कम प्रॉब्लम है। मैं उसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। जिस गांव में हमने रिसर्च करी थी, तो हमने घर घर जा करके जब उनसे पूछा था कि आप कितना पैसा किस जगह पे खर्च करते हो, तो अकेले एक गांव में जिस गांव की जनसंख्या 4,500 थी, उस मतलब वोट थी उस गांव में 4,500, 6,000 प्लस जनसंख्या थी, तो लगभग 1,300-1,400 बच्चा था जो खेल मतलब स्कूल में जाता था और बसों में बाहर दूसरे गांव में शहर में। टोटल 53 लाख रुपया हर गांव से शहर में जा रहा था, और शहर में सिर्फ 4 स्कूल थे बड़े जिनमें वो पैसा जा रहा था। यानी कि जो 53 लाख रुपया महीना था, वो उन 4 स्कूल के मालिकों की ग्रोथ हो रही थी और कुछ नहीं हो रहा था। बदले में आपके गांव की जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट था, वो 99% से ज्यादा था। मतलब अगर हर साल 500 बच्चा, 400 बच्चा या 300 बच्चा अगर प्लस टू कर रहा है तो, या ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उसमें जो रोजगार का रेट था वो 1-3% ही था, इससे ज्यादा नहीं था। तो ये समझने की बात होती है कि जितना पैसा हम सरकारी स्कूलों की बजाय प्राइवेट स्कूलों पर खर्च कर रहे हैं, वो सारा का सारा पैसा उन स्कूलों के मालिकों की ग्रोथ कर रहा है, ना कि हमारे बच्चों के लिए रोजगार का अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहा है। इसको समझना पड़ेगा आपको। एमबीबीएस की फीस बढ़ोतरी वाले मुद्दे पर गुमराह करने का आरोप लगा रहा था। एमबीबीएस के मुद्दे पर मुझे नहीं लगता कि किसी को ये मतलब डाउट हो कि एमबीबीएस की फीस कितनी हो गई है और कैसे है, और वो जो बॉन्ड वाला था सिस्टम 10 लाख रुपए जो कर दिया था, और कौन सी फीस कम हुई है, इसका भी डिटेल वो देंगे। जरूर उनको देना चाहिए जहांगीर साहब को, वो भी पता लग जाए। तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन क्यों लगा? सुनील भाई, इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि पूरी दुनिया में इस तरह के लोग हैं, चाहे चाइना की सरकार हो, चाहे उधर से पुतिन हो, चाहे ट्रंप हो। उस वक्त ट्रंप था, मैं आपको बता दूं, बाइडेन आने के बाद लॉकडाउन नहीं लगाया दोबारा अमेरिका के अंदर, और लोग इंग्लैंड में भी सड़कों पर हैं और अमेरिका में भी उस लॉकडाउन के खिलाफ, और किसान यहां बैठे हुए हैं। इससे ये लॉकडाउन वहां क्यों नहीं काम कर रहा? ये सारा दहशत फैलाने के लिए खेल है। आपको आने वाले वक्त में इस तरह से ट्रेंड कर रहे हैं ये लोग कि एक सीटी बजे और आप घरों में दुबक कर भाग जाएं। ये खेल बहुत आपकी गुलामी के लिए रास्ता तैयार हो रहा है बेसिकली। आपकी बच्ची संदीप जून कह रहे हैं कि 6th में है बेटी, और लॉकडाउन में बच्चों को भविष्य में तैयार करने के लिए। देखिए, लॉकडाउन है तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास घरों में ऐसा कोई रिसोर्स होगा जिससे कि आप उस बच्चे को तैयार कर सकें, ना आप उसको खेलने के लिए बाहर भेज पाएंगे, ना आप किसी और चीज़ की तैयारी के लिए कुछ कर पाएंगे, और पढ़ाने के लिए भी आपको अरेंजमेंट अपने पड़ोस में ही कोई बच्चा, या गांव में या आसपास कोई बीएससी एमएससी करा हुआ बच्चा जो ट्रेंड हो, या किसी टीचर से ट्रेनिंग ले ले और उन्हीं बच्चों को सौंपना ठीक रहेगा मुझे लगता है, ट्यूशन और बड़ी क्लासेस की बजाय, ताकि वो इंडिविजुअल उनके ऊपर फोकस करके उनको थोड़ा बहुत पढ़ा सके, उनके बेसिक्स, उनके फंडामेंटल्स क्लियर कर सके। ये अनीता जी कह रहे हैं कि लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई का सत्यानाश ही कर दिया है मानसिक तनाव में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सर जी, ये राजेश कालीरमन बोल रहे हैं कि अपना लड़का 20 महीने का हुआ है, उसके लिए क्या किलर कहानियां बुक? अरे 20 महीने का है अभी तो, अभी तो सिर्फ उसको खेलने दीजिए। 2 साल, 2-2.5 साल तक सिर्फ उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए, वो क्या किन चीज़ों पर कैसे रिएक्ट करता है, बिना कोई प्रिजुडिस बनाए, बिना किसी भी तरह से। कुलदीप जी अमेरिका में है, एंड ही सेइंग अमेरिका इज फ्री फ्रॉम मास्क ऑल्सो। बिल्कुल, अभी ये मास्क से फ्री हो चुका है अमेरिका। और मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो है, जब तक वो 2-2.5 साल का नहीं होता, टेंशन मत लीजिए उस बच्चे की। आप जो है वो मतलब उसको ऑब्जर्व करते रहिए,
आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसा हम लोग ढूंढ पाएंगे कि आपको मैं पेरेंटिंग के लिए अलग से क्लासेस और सेशंस लेने शुरू करूंगा जब थोड़ा सा ये खुल जाएगा, और फिर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसको कैसे तैयार करना है उस पर हम चर्चा कर सकते हैं, बिल्कुल। दूसरा, कुंडू साहब कह रहे हैं हमें कैसे पता चल सकता है कि हमारा बच्चा किस लाइन में सक्सेस कर सकता है। तो कुंडू साहब, इसका देखिए दो तरीके होते हैं इसके। क्योंकि हर जगह नहीं हो सकता, और क्योंकि इस मुद्दे पर काम करने वाला मैं इंडिया का पहला ही पर्सन हूँ, तो हम क्या कर सकते हैं कि मैंने इसमें दो मिशन शुरू करे हुए हैं। अगर इंडिविजुअल अपने बच्चे के लिए अगर कोई पूछना चाहता है, उसके लिए चार्जेस लगते हैं, उसके लिए पेड सर्विस है। बट अगर कोई सोसाइटी के लिए करना चाहे और दूसरे लोगों को मदद करना चाहे, तो उसके लिए हम लोग आपको ट्रेंड भी कर सकते हैं। मैं आपको वो पूरा तजुर्बा जो इतने सालों के बाद मतलब से हमने इकट्ठा किया है, उसको आप अपने बच्चों के लिए मदद कर सकते हैं। तो मेरे इसी पेज पे ऊपर मेरा नंबर है, मैं लिख भी दे मैं बोल भी देता हूँ, आप नोट भी कर लीजिए, 9518170000। आप इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए अपना नाम और गांव का नाम। साथ में अगर आप गांव के अंदर इस तरह की एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं, जो मेरा आने वाले वक्त में मिशन होने वाला है, हम एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करेंगे जिसमें गांव का 100% बच्चा एम्प्लॉयमेंट बेस एजुकेशन ले रहा होगा, और जब वो 12वीं कर रहा होगा तो उसे मालूम होगा कि उसे किस फील्ड में जाना है, और उसके लिए रास्ता पूरा गाँव मिल करके उसके लिए तैयार करेगा। हम गांव के पैसे को ड्रेन होने से जब तक नहीं बचाएंगे, हम लोग शहरों में टैलेंट का अगर माइग्रेशन नहीं बचाएंगे, अगर ब्रेन ड्रेन को हम लोग नहीं बचाएंगे, तब तक हम इस देश को और अपने भारत को जो है वो ऊंचाइयों पर नहीं लेके जा पाएंगे। गांव का टैलेंट गांव के ही इस्तेमाल आएगा तो सबसे बढ़िया तरीका है। अब मान लीजिए गांव का एक बच्चा है, उसको अगर सारे रिसोर्सेज और उसके बच्चे की पढ़ाई, मान लो मेरे बच्चे की पढ़ाई और रिसोर्सेज मुझे गांव के आसपास मिल जाते हैं, तो मुझे आकर के चंडीगढ़ आने की क्या जरूरत है। अगर मेरे गांव में ही सरकारी स्कूल इस तरह का हो जाए और हम मिलके उसको डेवलप कर लें, तो मुझे चंडीगढ़ के स्कूलों में लाखों रुपया वेस्ट करने की क्या जरूरत है, और किराए पर लेकर के और या फिर मकान बनाने की क्या जरूरत है। तो मेरा बहुत सारा पैसा बर्बाद होने से बच जाए अगर मैं अपने गाँव को बचा लूँ। तो इसीलिए गाँव बचाने की मुहिम शुरू करनी जरूरी है, और इसके लिए कोई अकेला आदमी अगर ये सोचता है कि मतलब अकेला पर्सन अगर इसके लिए कुछ करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। उसे अगर ये वहम है कि मैं करूंगा, नहीं, पॉसिबल नहीं है। इसके लिए तो गांव के आदमी को ही ये बीड़ा उठाना पड़ेगा। तो हम ये कर सकते हैं कि गांव में से ये ढूंढ लें, जैसे कुंडू साहब अभी पूछ रहे हैं कि गांव सोसाइटी के लिए क्या है। सोसाइटी के लिए इसमें सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम किस साइंस के बेसिस पर काम करते हैं, क्या तरीका होगा जिससे हम अपने गांव के हर बच्चे का टैलेंट पता करेंगे, और किस तरीके से हम गांव की एजुकेशन को डेवलप करेंगे। क्योंकि जब तक गांव के लोगों को इस बात पे यकीन नहीं होगा कि जो बात हम कह रहे हैं वो प्रैक्टिकल है, तो वो उसके लिए करना भी शुरू नहीं करेंगे। तो इसलिए कुछ दिमागों को आगे आकर के पहले चीजों को समझना होगा कि हम बात क्या कर रहे हैं, हम किस टॉपिक पर, मुद्दे पर, किस किस तरह से काम करने वाले हैं। क्योंकि ये बात इतनी बड़ी है, 30-40 घंटे की चीज को हम एक आधे घंटे में, 15 मिनट में नहीं समझा पाएंगे। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं वहां आपको पूरा, जिस जो इंटरेस्टेड लोग होंगे उनको मैं उसकी डिटेलिंग दे दूंगा, और फिर हम गांव के लिए इसके ऊपर काम शुरू कर भी देंगे। बहुत से गांव में हमने काम शुरू किया था, ये लॉकडाउन ने सारा कुछ खराब कर दिया, पूरा माहौल खराब कर दिया। बट दोबारा से मैं एक्टिव हुआ हूँ अभी फेसबुक पे, तो लेट्स सी कि हम वीडियो रेगुलर इंटरवल पे बनाते रहें। आप इसी वीडियो में क्वेश्चंस अपने पूछते रहिए, या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछते रहिए। तो जब अच्छे सारे 10-20 क्वेश्चंस हो जाएंगे, उसके ऊपर एक लाइव फिर दोबारा से चल देंगे हम लोग। और कुलदीप जी कह रहे हैं कि आपका अकॉर्डिंग ये लॉकडाउन कब तक स्टेबल रह सकता है इंडिया में। मुझे लगता है कि मैं जुलाई में या अगस्त में मैं सड़कों पर उतरने वाला हूँ, और 2 महीने में, 3 महीने में हम लोग जाकर के कम से कम हरियाणा चंडीगढ़ को तो खुलवा ही लेंगे। इंडिया में पता नहीं, लेकिन अब हम दोबारा तो नहीं लगने देंगे हरियाणा में तो लॉकडाउन। हरियाणा खुल रहा है कुलदीप जी, और जल्दी मुझे लगता है पूरा हरियाणा इससे फ्री हो जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी ये किसान बिल जो है, कृषि बिल वापस नहीं लेता, तो ये सर्दियां बहुत निर्णायक भूमिका में होंगी इस देश के अंदर स्पेशली। फिर हमें इन दोनों गुजराती वायरसों से भी पीछा छूट जाएगा, और शायद हम अब 1947 में पहुंच चुके हैं दोबारा, मुझे लगता है, क्योंकि फिर से वही गरीबी, वही बेरोजगारी। 12 करोड़ लोग थोड़े नहीं होते हैं बेरोजगार होना।
सुनील भैया तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, अभी जो आने वाले वक्त में बहुत आएगा मटेरियल, तुम्हें पता लग जाएगा। आशीष सेठी बोल रहे हैं कि बहुत कम जागरूक लोग हैं। हाँ बहुत कम हैं, लेकिन ना देखिए जब हम पहुंचेंगे ही नहीं, उनको बात ही नहीं बताएंगे, तो दूर दूर बैठे लोग तो ऐसा ही सोचते रहेंगे ना कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो कुछ पॉसिबल होगा तो करना तो पड़े, बिना करे तो नहीं होगा ना। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं चंडीगढ़ में बैठ के कोचिंग सेंटर चलाऊं और खूब मोटा पैसा कमाऊं, और दूसरा ये कि गांव को बचाने के लिए हम निकलें। तो हमें ये समझ आ गया है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, समाज इंपॉर्टेंट है। अगर समाज सुरक्षित होगा तो हमारा पैसा कम भी कमा लेंगे तो भी खुश रह लेंगे, और अगर समाज सुरक्षित ही नहीं होगा, हमें इस बात का खतरा लगेगा कि पता नहीं कब मर जाए, पता नहीं सड़क पे कौन मार दे, पता नहीं कैसा समाज है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा ही नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे उस पैसे का और किस तरह से। तो इसलिए समाज को बचाने के लिए जो इस तरह से सोचते हैं वो लोग आगे आ जाएंगे। सभी तो कभी नहीं आया करते, ना आजादी की लड़ाई में सारे लोग शामिल थे, ना इस किसान आंदोलन में सारे शामिल हैं। इवन जब टीचर्स की यूनियन के कोई अगर कॉल आती है, उसमें भी सारे टीचर्स कहाँ होते हैं, और अगर स्टूडेंट्स की आती है तो सारे कहाँ होते हैं। सब तो कोई नहीं होता, जागरूक कोई नहीं होता, लीड करने वाले दो चार लोग होते हैं। गाँव में ऐसे लोग ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं होता है, बस गाँव में जाके बैठ के बात करना इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे कुलदीप जी मैसेज कर रहे थे, इसमें वो बाहर हैं, हमें देश से बाहर हैं, तो मैंने जब वहां पे बात किया ना कि गांव में, उनके गांव में जाके हमने बात करी, तो हम दोबारा नहीं बात कर पाए उन लोग गांव वालों से। तो एक दिन में वो कैसे ट्रस्ट करेंगे कि जो बातें हम कह रहे हैं वो ठीक हैं। तो गलती तो हमारी है कि हम उनको पूरी तरह से समझा नहीं पाए, और फिर ये लॉकडाउन लग गया, तो इसमें हम ये कसूर गांव वालों का कैसे निकालें। अगर उनको इतनी समझ होती तो कोई एमएलए कोई एमपी उनका बेवकूफ बना करके वोट थोड़ी ले जाता, फिर दारू पिला करके कोई सरपंच थोड़ी बन जाता, गांव के स्कूल ऐसे बर्बाद थोड़ी हो जाते अगर उनको इतनी समझ होती। जिनको समझ थी वो गांव छोड़कर चले गए। अब जिनका या तो थोड़ा बहुत सोशली जो एक्टिव थे, या जिनके पास इकोनॉमिक थोड़ा स्टैंडर्ड था, या जो मेहनती लोग थे वो गांव छोड़ गए, अब फिर वो वैसे ही लोग रह गए गांव के अंदर। तो उन लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि हमारा काम ना होना जो है, हमारा काम ना करना हमारे लिए बहुत खतरनाक है। तो हमें मिलजुल के काम करना पड़ेगा, और उसमें गांव में ऐसे लोग मिल जाएंगे, अच्छे लोग, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, कोई ऐसी टेंशन नहीं है, हो जाएगा, हम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और सुनील भाई आप एग्रीकल्चर बिल की वजह से अगर आप हमारे फ्रेंड बने थे, जैसे भी है कोई दिक्कत नहीं है। आप दो कहीं पे आप सहमत हो सकते हैं, कहीं आप नहीं सहमत हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें जितना पता होगा। अब जैसे मान लीजिए अगर 1998 में 2000 में अगर कोई आपको ये कहता उस वक्त कि एक ऐसा चीज आएगी मोबाइल जिस पे हम जैसे अभी लाइव चल रहे हैं, कि ऐसे चला करेंगे और बैठे बैठे देखा करेंगे, तो मतलब उस वक्त लोग आपको बेवकूफ कहते हैं। मतलब मैं अगर ये बात बोलता तो लोग मुझे बेवकूफ बोलते कि क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जब फोन तो करने के लिए हमें गांव में एक फोन होता था पूरे गांव के अंदर, तो कैसे पॉसिबल होगा ऐसे बात करना। तो उस वक्त नहीं थी पॉसिबल ये बातें। तो जैसे मैं 2014 में कहा करता था कि जैसे ही जैसे कश्मीर को जब इन्होंने 370 हटाने का नाम लिया, हालांकि 370 नहीं हटी है, मैं भक्तों के लिए बता दूं, उसकी एक धारा है 34 है, वो मेरे ख्याल से 134 है कि 34 है, वो हटाई थी उन्होंने, जो कि वहां के रिसोर्सेज का इस्तेमाल खोल दिया था पूरे देश के लिए, और उसको फिर यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया। उसका एकमात्र पर्पस था वहां के जो सेब के बागान है, वहां की जो लकड़ी है कीमती, उसका सारे का रिसोर्सिस का मालिक अंबानी और अडानी को बनाना था। अब की बार आपने जूसी सेब नहीं भी खाए होंगे, कश्मीर का सेब अब की बार किसी को नसीब नहीं हुआ, क्योंकि सारा एक्सपोर्ट हुआ, वहां कोल्ड स्टोरेज बन गए हैं। जैसे ये कृषि कानून आने से पहले अडानी के एक स्टोरेज जो है हमारे हरियाणा में बन गए थे, बैंगलोर में बन गए थे, मध्य प्रदेश में बन गए थे, गुजरात में बन गए थे, राजस्थान में भी बन, मतलब राजस्थान में तो नहीं है खैर, शायद थोड़े बहुत होंगे राजस्थान में, तो मध्य प्रदेश में थे, लेकिन मैं इसकी गारंटी है, मैं हम वहां गए थे। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि हम जब उस वक्त बोलते थे कि भैया तुम कश्मीर के लिए बोलो, नहीं तो ये पूरे देश को लॉकडाउन लगाएगा, आपको लगता था ये पागल है, अभी तो 370 ये देशद्रोही है, मुझे बोलते थे उस वक्त देशद्रोही। मैं बोलता था यार तुम्हारे फेलो सिटीजन है, वो हमारे दोस्त हैं, हमारे हमारे परिवार के लोग हैं, वो भारत के लोग हैं, उनको ऐसे बंदूक की नोक पर घरों में कैद करना ठीक नहीं है।
आपको उनकी कंसेंट लेनी होगी, आपको उनको भरोसे में लेना होगा। लेकिन लोग उस वक्त ये कहते थे कि तुम देशद्रोही हो, 370 हटा के बहुत अच्छा किया। मैंने कहा नहीं अच्छा किया है इसने, क्योंकि ये 370 हटाना कोई उसके विकास के लिए था ही नहीं, ये तो विनाश के लिए था और ये विनाश जिन्होंने कर दिया। जब 370 हटने के नाम पर जब कश्मीर को लॉकडाउन किया और जब कोई नहीं बोला, तो उन्होंने देख लिया कि कोई नहीं बोल रहा एक दूसरे के लिए। जिस वक्त रोडवेज के कर्मचारियों को ये सस्पेंड कर रहे थे, पीटीआईज को हटा रहे थे, ग्राइंड टीचर को हटा रहे थे, रेलवेज को बेच रहे थे, भेल को, सेल को, LIC को, BSNL को, हर MTNL को, हर डिपार्टमेंट, HPCL, जितने भी डिपार्टमेंट्स थे BPCL को से लेकर के, जब ये हर डिपार्टमेंट को जब ये बेच रहे थे और हम नहीं बोल रहे थे, जब एयर इंडिया के कर्मचारियों को हटाया इन्होंने और वो उस पर जब जबरदस्ती उनको रिटायरमेंट दी BSNL के कर्मचारियों को, तब हम बोला करते थे और हम कहते थे इनके लिए बोलिए तो लोग नहीं बोलते थे। तो हम ये देख रहे थे कि ये टेस्टिंग कर रहे हैं कि जब ये कि दूसरा हिस्सा जब मर रहा है तो बाकी के लोग क्या कर रहे हैं। तो ये जब हम नहीं बोले उस वक्त इनको ये आ गया कि यार ये तो देश एक दूसरे के साथ बोलता ही नहीं है, अब तो इनको जो है जो हमारे खिलाफ बोले हमारे डिसीजन के खिलाफ, पहले बोलो कि तुम तो देशद्रोही हो, उससे काम नहीं चले तो बोल दो तुम तो बुद्धिजीवी अर्बन नक्सली हो। सेकुलर वर्ड को बदनाम करने की कोशिश की इन लोगों ने, जो हमारी संविधान की मूल आत्मा में शामिल है उसको ये सोचते सेकुलर को उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की। मतलब और ये तो मतलब चाहे भाजपा विरोधी, चाहे हिंदू विरोधी, चाहे मोदी विरोधी, चाहे कांग्रेसी, चाहे वामपंथी, चाहे अर्बन नक्सल, इनको कुछ भी कहना पड़े, इनका मकसद ये था कि किसी तरह से चुप हो जाएं ये, बोले ना। तो हम बोलते थे, लोगों को तब भी यकीन नहीं होता था, अब जब ये लॉकडाउन पूरे देश में लग गया तो हमें पता था कि टेस्टिंग तो चली रही है भैया आपकी बर्बादी की। जब बहुत सारी चीज़ें हैं इस पे हम आएंगे, जब मैं रिसर्च के साथ आऊँगा आपको एक एक चीज़ बताऊँगा तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि क्या हमने अपनी आंखों से अपने देशों का सत्यानाश, अपने देश का सत्यानाश किया है। और आशी सुनील बिंदास बोल रहे हैं भाई कि हरियाणा में टीचर्स मोस्टली डरपोक हैं। टीचर्स तो होने तो बगावती चाहिए लेकिन डरपोक हैं, ये बड़ी विडम्बना है और बड़ा दुख का विषय है। बाकी एक साल घर में बिठा करके तनख्वाह भी दे दी, अब तो इनको इनके मतलब जंग भी लग गया दिमाग को भी जबान को भी, अब तो बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बड़ी सारी चीज़ें हैं। गांव अडॉप्ट करना चाहते हैं, अभी करेंगे हम पूरे गांव में पूरा एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आशीष सेठी भाई कह रहे हैं गांव अडॉप्ट करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप भेज दीजिए, हम करेंगे इसके ऊपर काम और बहुत अच्छे से करेंगे, डोंट वरी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट थर्ड वेव, वेरी हार्मफुल फॉर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन तो इसलिए ना क्योंकि लोग स्कूल खोलने की बात कहने लग गए ना कुलदीप जी, इसलिए चिल्ड्रन का नाम आ गया। ये खेल बड़ा चल रहा है, आप समझ नहीं रहे हैं। आपको पूरी बीमारियों के ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी, कौन से बीमारी कैसे होती है और क्या क्या हो रहा है, खेल क्या हो रहा है। अस्पतालों में, अस्पतालों के अंदर अगर जिसको ठीक ट्रीटमेंट मिल गया है, जिसने अपने देसी किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा लिया, उसे कुछ नहीं हुआ। शुरू में जिसने एंटीबायोटिक नहीं ली और तीसरे चौथे दिन के बाद शुरू की, वो उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिसने शुरू में स्टीरॉयड ले लिए और वो ले लिए, उसके किडनी भी फेल हुई, उसका हार्ट भी फेल हुआ, ब्रेन हैमरेज भी हुआ और अब ब्लैक फंगस भी हो रही है, और सारा का सारा इलाज का प्रोटोकॉल का खेल था। और अभी तो जो वो ल्यूक जो थे, वो नोबेल प्राइज जो वायरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी कहा है कि वैक्सीन जो है ये बेसिकली हमें गिनी पिग की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और वैक्सीन पूरी तरह से टेस्टेड भी नहीं है। और अपने देश में तो मोदी ने बिल्कुल किसी को ये बताया भी नहीं कि कौन साइंटिस्ट था जिसने बनाई, इसमें है क्या चीज़, और ऐसे ही चल रहा है बस, सब कुछ देखी जाएगी। लेट्स सी, रियलिटी विल बी एक्सपोज्ड। हाँ देखते हैं अभी कौन कौन कैसे कैसे खेलता है, सड़कों पर तो उतरना ही पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये देश एक बहुत बड़ी क्रांति के इंतज़ार में है, इस देश को बहुत अच्छे लोगों की बहुत ज़रूरत है। और मैं ये मानता हूँ कि चाहे वो BJP से हो, चाहे सपा से, चाहे बसपा से, आने वाले वक्त में पॉलिटिकल बैकग्राउंड के आदमियों को लीडरशिप देनी सबसे ज़्यादा खतरनाक है, ये लोग बेच खाएंगे। अपने बीच के लोगों को तैयार करना पड़ेगा, हम लोगों को अच्छे लोगों को तैयार करना पड़ेगा और ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो समाज के लिए वाकई कुछ ना कुछ करते आ रहे हैं। और देखते हैं कि इसमें हम लोग समाज को कितने ऐसे लोग ढूंढ के निकाल के दे सकते हैं। हमारी तो जैसे हम एक गांव में गए, हमारी स्पेशलिटी थी, तो वो एक गांव के लोग कहने लगे, डॉक्टर साहब आप हमें ये तो बता रहे हो कि
कौन सा बच्चा प्लेयर बनेगा, कौन सा बच्चा किस चीज़ के लिए बना है, तो हमें ये भी बता दो लीडरशिप के लिए कौन बने हैं। तो लेट्स सी, मैं क्या अब की बार लीडर हंटिंग काम शुरू करते हैं, अच्छे लोगों को निकाल के समाज को देंगे कि ये लोग हैं, इनको आप अपना लीजिए। हम एजुकेशन पे ही काम करेंगे, हमें इससे ज़्यादा किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता, हम अपना इसी काम को आगे बढ़ाएंगे। और लेट्स सी गाँव के लोगों को साथ लेके हम समाज के लिए कितना कुछ कर पाते हैं, यही उम्मीद है। दो लोग हैं जो कनेक्ट करने के लिए आ रहे हैं, प्रदीप भाई हैं, उनको अप्रूव कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर प्रदीप जी कुछ बोलना चाहेंगे तो कनेक्शन फेल्ड हो गया। दूसरे को देखते हैं कौन है, राममूर्ति सिहाग जी, उनको ऐड कर लेते हैं, अगर वो हैं तो कनेक्शन फेल्ड हो गया। और कोई अगर साथी आकर के बात करना चाहता है तो आप ऐड करने वाला बटन है, हम बात कर लेते हैं, आप बोल सकते हैं। अजय जी के साथ टीम बनाइए, मनोज जी बोल रहे हैं। अरे अजय जी तो टीम में ही हैं, वो तो टीम लीडर हैं हमारे, जैसे उनकी लीडरशिप में हम अच्छे लोगों को देंगे। और मैं तो, अपन तो बैकग्राउंड के आदमी हैं, मतलब पीछे पर्दे के पीछे रह करके लोगों को अच्छे लोग देने की कोशिश करेंगे। एंड दैट्स ऑल, मुझे लगता है कि आज का जो टॉपिक था वो बेसिकली प्लस टू के एग्जाम्स के ऊपर था, और देखते हैं कि हम आने वाले वक्त में जो जो लोग अपने साथ अपने गाँव को के लिए ऐसा कुछ मिशन शुरू करने वाले हैं वो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और मैं सोते वक्त सारे के सारे व्हाट्सएप का जवाब दे करके सोऊंगा। आप व्हाट्सएप करके छोड़ दीजिएगा अपना नाम, गाँव का नाम, और आपकी जो भी बात है वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेज देना, और कॉल करना अवॉइड करना, क्योंकि कॉल मैं नहीं उठा पाता हूँ कई बार, मैक्सिमम टाइम मैं नहीं उठा पाता हूँ, कहीं ना कहीं बिजी होते हैं, तो आप हमें बता दीजिए। गांव के लोग तैयार करेंगे अमित जी, टीम हम नहीं तैयार करेंगे, क्योंकि मेरा जो काम है वो सिखाना है। आप आते जाइए, सीखते जाइए, और अपनी टीम कैसे बनानी है, कौन लोग होंगे, कौन, वो बता सकते हैं हम लोग, वो हमारा काम स्पेशलिटी है। और शायद हम जुलाई के मिड के बाद जो हैं, आप डॉक्टर साहब के साथ पार्टी बनाओ, नहीं पार्टी तो डॉक्टर साहब ही बना लेंगे, हम पार्टी में नहीं शामिल होंगे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि एक ग्रुप, जैसे मान लीजिए जैसे मैं दिल्ली के केस में अगर मैं देखता हूँ कि अगर अन्ना हजारे अगर अरविंद केजरीवाल से अलग नहीं हुए होते और वो अगर प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते तो उनको चेक रख सकते थे कि तुमने गलती क्या की है। तो मैं पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा, लेकिन मैं अच्छे लोगों को अप्रूवल के केस में तो हम लोग आ सकते हैं कि हाँ ये अच्छे लोग हैं, ये अच्छे लोग नहीं हैं। तो अजय जी पार्टी बना लें, बहुत अच्छी बात है, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए समाज के लिए। और मैं समझता हूँ कि हम लोग एक अलग प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेंगे, हम पार्टी में नहीं जाएंगे। अगर आज मान लो आम आदमी पार्टी को सौंप करके अरविंद केजरीवाल खुद उसी एक्टिविस्ट वाली भूमिका में आ जाए तो बहुत क्रांतिकारी कदम होगा ये उसका, पर वो नहीं आ पाएगा क्योंकि वो एक बार मुख्यमंत्री रह चुका है। तो हम चाहते हैं कि हम उस पावर वाली गेम में अभी ना आए, तो हमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, हम चेक रखेंगे बाहर से सिविल सोसाइटी की तरह, एक ऐसा ग्रुप जो हर गांव को प्रतिनिधित्व करता होगा, जो सरकार को बताएगा कि तुम ये गलत कर रहे हो। हम एक इस तरह का एक सोच रहे हैं कि योजना बनाने की, कि वो लोग अपना फ्रंट पे खेलें और हम उनको बताएं कि तुम्हें इस गांव के लिए क्या क्या चीजें करनी है, वो रिसर्च करके, और लेट्स सी क्या होता है। ये तो भविष्य के गर्भ में है, अभी के लिए इतना ही, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं जो भी बात आप पूछना चाह रहे हैं, जो भी कहना चाह रहे हैं, और गांव की टीम में शामिल होना चाह रहे हैं और अपनी टीम बनाना चाह रहे हैं, दैट वुड बी वंडरफुल फॉर दिस कंट्री एंड योर विलेजेस, अवर विलेजेस बेसिकली, और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी भी है ये।